चंडीगढ़ नगर निगम के 9 नव निर्वाचित मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह का आज आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस के पार्षदों द्वारा विरोध। मैडम आपकी ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर यूटी चंडीगढ़ वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 18 अक्टूबर 2022। आई रीड आउट द कंटेंट्स ऑफ दैट नोटिफिकेशन। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा अपॉन विच आई एम अबाउट टू एंटर। एक मिनट, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन के वजह से ये जो नॉमिनेट काउंसलर बनाए हैं ये अपने मनमानी से बनाए हैं। क्या कोई इनको चंडीगढ़ में मनोटी नहीं दिख रहा था कि मनोटी के भी एक बंदे ले ले? ये तो अपने मनमानी धक्काशाही, इनका तानाशाही सरकार चल रही है। जहाँ भी देखो इनका तानाशाही है। क्या कोई मनोटी से दिख नहीं रहा था इनके चंडीगढ़ में से कोई मनोटी से एक ले ले? इनका तो मन मर्जी है जी। ये अपने मर्जी से जितना बीजेपी के बंदे थे उनको लेकर के आ गए। क्या यहाँ सोसाइटी नहीं है कि कोई संस्था नहीं है कि हर तरफ से एक दो दो बंदे ले लेते? उन्होंने इन्ना पता सी भी हाउस दे विच साडे एजेंडे पास नहीं होंगे, गलत एजेंडे जिन्हें उन्होंने पैसे बचाने हैं। जे कोई चंडीगढ़ की जनता ने धक्का करना उदा के एजेंडे इन्होंने पास नहीं असी होन देंदे सी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे पास करन दे लई अपने कार्यकर्ता नूं इत्थे नोमीनेटेड काउंसलर बनाया। जबकि इतिहास गवाह है नोमीनेटेड काउंसलर कोई एक्सपर्टीज होंगे ने, कोई आर्कीटेक्ट होंगे, कोई IAS अफसर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई वकील होंगे। मैंने दसो मनोरिटी होंगे, चंडीगढ़ व्यापार मंडल का भी बंदा वो होंगे। अज तक पहले यदा कभी नहीं होया। सिर्फ और सिर्फ ये जो नोमीनेटेड काउंसलर आए हैं इन्होंने अपने एजेंडे पास करवाने होंगे, धक्का करना होंगे चंडीगढ़ की जनता नाल। चंडीगढ़ की जनता ने अज मैंडेट दिता सी आम आदमी पार्टी को कि उन्होंने चंडीगढ़ च होर एक्सपर्टीज ने, कोई एग्रीकल्चर के एक्सपर्टीज है, कोई हॉर्टीकल्चर के एक्सपर्टीज है, किसी ने इन्होंने अगे ना लिया के बजाय अपने एजेंडे पास करने लिए अपने नोमीनेटेड काउंसलर अगे लै गए। नोमीनेट पहला तो मैं सारे ने बहुत बहुत बधाई देनी है। वाकई देखो जो असी अपनी चंडीगढ़ की डिवेलपमेंट करनी है वो जो जो अपने एरिए आए एक्सपर्ट ने सानू उन्होंने सजेशन उन्होंने राय मिलेगी असी अपनी चंडीगढ़ होर बेहतर कर सकेंगे। देखो वो अगेंस्ट पार्टी है और नेचुरल उन्होंने बनता वो करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर असी अपने वेल विशेष चंडीगढ़ लिए हैं तो सानू इवें दा विरोध नहीं करना चाहिए। बीजेपी के ले गए, देखो जो काउंसलर जो नोमीनेटेड चुने गए ने उहदे च देखो मेरा तो इहदे च कोई नहीं है, वो तो गवर्नर सर जिन्होंने अप्रूवल ना किया है उन्होंने ना आए ने। तो आपको कैसा लगा कि अभी चंडीगढ़ की कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिक फंडामेंटल जो प्रॉब्लम? बिल्कुल देखो इस यही गल नहीं है कि असी बहुत वधिया कर रहे हैं चंडीगढ़ साडा जिवें 66 12 आए हैं जो इन्हों का होर सानू सहायक सजेशन मिलणगे असी होर वधिया कर सकांगे। अच्छा मैम, एक दो प्रॉब्लम बड़ी है जैसे डंप की है और पार्किंग की है, तो ये समस्या हमेशा बनी रहती है, इसको कैसे सॉर्ट आउट? नहीं, डंप का तो अभी पिछले इनॉग्रेशन हुआ है, टेंडर लगा है, जो इसके कारण ही हम शायद 12 पर हैं, अदरवाइज नहीं हम 5 में आते। तो उधर टेंडर हूँ लग चुका है, तो असी हूँ होर अगे देखो इंप्रूवमेंट तो हुई है 66 12 तक अगर कम किया है ताई हुई है ना, असी उधर टेंडर डंपिंग ग्राउंड का जो मेन सीगा वो लग चुका है, तो अगे असी होर वधिया करांगे, तो अगे नंबर 1 ते आवांगे।